हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले तो रैप बनाने पड़ते हैं और रैप तीन तरीके हमने बताए हैं बहुत ही आसान से तरीके हैं जिनको आप बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं और इनकी जो फिलिंग होती है ना उनको लोगों को बनाते टाइम बहुत टेंशन होती है कि बहुत गीली हो जाएगी रैप फट जाएंगे सारी चीज़ें हमने डिटेल में बताई हैं और बहुत सारे टिप्स भी शेयर करें जिसकी वजह से फिलिंग कहीं से भी सॉगी नहीं होती बिल्कुल परफेक्ट रैप्स बन के रेडी होंगे और अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो आपको यही लगेगा कि आप इन्हें कई बार बना चुके हैं तो चलिए देखते हैं हम स्प्रिंग रोल को कैसे बनाया है तो यहाँ पे स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक कप मैदा तो हमने यहाँ पे एक कप मैदा लिया उसके हिसाब से कम से कम सात से आठ जो उसके रैप्स बनते हैं ना वो बन जाते हैं अगर जो उसकी गुलाई है अगर आपका जो पैन हम इस्तेमाल करेंगे वो सात इंच या फिर आठ इंच के करीब है तो उससे सात से आठ स्प्रिंग रोल के रैप्स बन जाते हैं इसमें डाल देते हैं हम नमक थोड़ा सा और इसका हमें बिल्कुल पतला सा घोल बहुत ही पतला सा बैटर बना के रेडी करना है तो बैटर बनाने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए एकदम से पानी ऐड कर देंगे तो बहुत सारे लम्ब पड़ जाते हैं फिर उनको निकालने में बहुत टाइम लगता है इस वजह से तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से कुछ मिक्स कर लेंगे और वापस हम थोड़ा पानी और डालेंगे तो यहाँ पे हमने जो टोटल पानी इस्तेमाल किया एक कप के हिसाब से तो एक कप पूरा पानी लग जाएगा और थ्री फोर्थ कप और मीन्स आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी और लगता है और यहाँ पे आप कोई सा भी मेजरिंग कप ले सकते हैं या फिर कोई बोल सेट कर सकते हैं सेम बोल से आप मैदा भी इस्तेमाल कीजिए और सेम बोल से ही पानी भी इस्तेमाल कीजिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैटर बन के रेडी होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना लिक्विड सा बैटर हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है इस तरीके का कुछ तो एक कप और थ्री फोर्थ कप पानी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है अब चलिए इसके रैप्स बना लेते हैं तो यहाँ और यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे उसमें बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें उसको हल्का सा गर्म करना है बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है पैन को और इसमें लगभग हम दो टेबल स्पून के करीब इस तरीके से घोल डाल देंगे बैटर डाल देंगे इस तरीके से इसे राउंड घुमाएंगे ना तो सारा का सारा बैटर खुद ही फैल जाता है और आप देख सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर देना है क्योंकि फाइनली तो आपको इसे डीप फ्राई ही करना है तो यहाँ पे रैप को डालने के बाद में कम से कम एक मिनट का वेट करें रैप अपने ही आपसे छूट जाता है आपको इसे छुड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैन हल्का सा गर्म होता रहेगा रैप ही छुटता जाएगा धीरे धीरे और यहाँ पर ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इस बहुत स्मूद नहीं बनाए या फिर ऐसा नहीं क्योंकि हमें फाइनली तो इसको डीप फ्राई करना है जैसे आपने देखा होगा कि आगे बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं स्प्रिंग रोल और यहाँ पे ये देखिए कितना पतला सा रैप बन के रेडी हो चुका है बस एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि रैप हमें मोटे नहीं बनाने अगर आप मोटे रैप बना के रेडी करेंगे जब उनकी फिलिंग करेंगे बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं उनके अंदर बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो रैप तो हमारा बन गया लेकिन इसको स्टोर करने की भी एक ट्रिक है क्योंकि कई सारे रैप्स आपको बना के रेडी करने और आपस में बिल्कुल भी ना चिपके क्योंकि चिपकने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि बहुत पतले पतले से होते हैं ज़्यादा हम इनको पकाते भी नहीं है इस वजह से तो उसके लिए आपको क्या करना है इस तरीके से रैप को आप पिक करिए उठाइए इस तरीके से और थोड़ा सा हवा में इस तरीके से थोड़ा सा शेक कर लीजिए तुरंत से ठंडा हो जाता है उसके बाद में प्लेट में रख कर उसको अच्छा खासा उसके ऊपर मैदा डाल दीजिए इस तरीके से दोनों साइड में ताकि कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बस आगे के रैप्स बनाएंगे इसी के ऊपर रखते जाएंगे बस रैप्स बिल्कुल भी चिपकने का टेंशन झंझट कुछ भी नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बहुत ही पतले पतले से रैप्स बन के रेडी होते हैं पर दूसरा तरीका रैप बनाने के लिए पैन आपका तो रेडी ही इसके ऊपर आपने बैटर डाला और आपको जैसे ज़्यादा बैटर पड़ गया आपसे धोखे से इस तरीके से आप राउंड से घुमा दीजिए इसको और जो बचा हुआ बैटर है ना वापस से आपके घोल वाला बैटर वाला बोल है उसके अंदर वापस से डाल दीजिए इस तरीके से आप रैप बना सकते हैं ये भी बहुत आसान तरीका है तीसरा तरीका तीसरा तरीका जैसे कि हम लोग डोसा वगैरह बनाते हैं स्पून की मदद से इस तरीके से कुछ बैटर डालेंगे इसको राउंड शेप में घुमा देंगे बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहीं छेद ना हो छेद होते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर ऑयल जाने के चांसेस रहते हैं और इनके शेप की आपको टेंशन नहीं कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि फाइनली हमको इनको डीप फ्राई करना होता है बस इसी तरीके सारे रैप हमें रखते जाएंगे इस तरीके से आटा लगा लेंगे एक के ऊपर एक और रैप के ऊपर आटा लगाते जाएंगे दूसरा रैप है उसके ऊपर रखते जाएंगे लेकिन रैप को हल्का सा ठंडा कर लीजिए उसके बाद ही इसको रखिए नहीं तो गरम गरम रखेंगे तब भी रैप के चिपकने के चांसेस होते हैं कि वो भाप से पसीजते जाते हैं इस वजह से सॉगी हो जाते हैं भाप की वजह से चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से इसकी फिलिंग बहुत ही ईजी बनाना है बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट हमने इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं इसके अंदर हमने ऑयल डाला है वन टेबल स्पून सिर्फ ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं इसके अंदर ऐड करेंगे खूब सारा लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ लहसुन हमने टू टेबल स्पून अदरक टू टेबल स्पून हमने ऐड करिए इसको बहुत ज़्यादा हमें रोस्ट भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है हल्का सा सौते कर लेंगे थर्टी सेकेंड्स के लिए उसके बाद में इसमें हम वेजिटेबल्स इस्तेमाल करेंगे एक सॉस इस्तेमाल करेंगे सॉस इस्तेमाल करने से काफ़ी सारे लोगों को डर लगता है कि फिलिंग गीली हो जाएगी लेकिन मैं सारे टिप्स बताएं इस वीडियो के अंदर कि जो आप फिलिंग बनाएंगे कहीं से भी सॉगी नहीं होगी यहाँ पे हल्का सा रोस्ट करने के बाद में हल्का सा भूनने के बाद में इसमें हमने टू टेबल सॉस इस्तेमाल किया टोमेटो कैचअप और आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप चिली सॉस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं वन टेबल स्पून बस आपको करना क्या है सॉस ऐड करते ही आपको इसके अंदर वेजिटेबल्स इस्तेमाल नहीं करनी है कम से कम एक मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम के बीच में आप इसे हल्का सा सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए सॉस में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो थोड़ा सा जल जाएगा जब तो सॉस जो एकदम थिक सा हो जाएगा उसकी वजह से जो फिलिंग बनाते हैं वो गीली नहीं होती है यहाँ पे सॉस का एक्स्ट्रा पानी जल चुका है सॉस काफ़ी थिक लग रहा है आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर और इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम थोड़ी वेजिटेबल्स लेकिन एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से भी जो आप फिलिंग बनाए वो बिल्कुल भी गीली नहीं हो वो आके हमने वीडियो में बताया है तो यहाँ पर पहले तो हम वेजिटेबल्स के अंदर डाल देते हैं तो हमने दो कप भर के बिल्कुल कैबेज इस्तेमाल किए पत्ता गोभी एक शिमला मिर्च इस्तेमाल की पतली पतली से इस तरीके से लंबाई में कटी हुई और एक स्मॉल साइज़ की कैरेट गाजर इस्तेमाल कर रही है इसके ऊपर हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है वन टी के करीब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है और आपको बहुत ज़्यादा इसमें मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं है इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फिलिंग बन के रेडी होती है बिल्कुल मार्केट की तरह इसको हमें लेकिन पकाते टाइम पे जो फ्लेम है ना वो लो नहीं रखनी है बिल्कुल हाई फ्लेम पे आप इन सारी वेजिटेबल्स को कुक कीजिए क्योंकि सारे जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं उनको हम लोग हाई फ्लेम पर ही बनाते हैं हाई फ्लेम से क्या होता है पानी बहुत जल्दी से जल जाता है सब्जियाँ ओवर कुक नहीं हो पाती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहती उनके अंदर क्रंचीनेस नस रहती है, और यहाँ पे सॉस डालने का एक और भी फ़ायदा होता है सॉस के अंदर थोड़ा विनेगर होता है ना तो हल्की खटास की वजह से जो कोई भी चीज़ आप पकाते हैं वो थोड़ा स्लो उसकी कुकिंग हो जाती है उसके अंदर जो क्रंचीनेस रहती है ना वो बिल्कुल बरकरार रहती है इस वजह से भी आप सॉस बहुत ही बिना सोचे समझे इसमें ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन उसको उसी तरीके से पका लिए जैसे कि मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था अभी सॉस को कुक करते टाइम पर और और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन वेजिटेबल्स के अंदर पानी हम की कोई चीज़ नहीं बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है अच्छी फिलिंग बिल्कुल रेडी हुई है जिसकी वजह से फिलिंग बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगी इसको हम एक बोल में अच्छी तरीके से जब ठंडा हो जाएगा ना तभी इसको फिल करेंगे और बहुत ही बढ़िया से स्प्रिंग रोल बनाएंगे एक और ट्रिक हमने बताई है तो यहाँ पे एक बोल के अंदर मैदे का थोड़ा सा थिक सा हमें एक बैटर बना के रेडी करना है उसके लिए हमने थ्री टेबल के करीब मैदा ले लिया है इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक और पानी डाल के हमें हल्का सा थिक बैटर बनाना है जैसे कि हमने रैप्स के लिए बैटर बनाया था उससे थोड़ा सा थिक बनाएंगे बस साइज़ चीज़ों को तो अच्छी तरीके से घोल के इसको रख देंगे साइड में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना सा थिक आपको बना के रेडी कर लेना है। इसको रख देते हैं हम साइड में और यहाँ पे और यहाँ पे फिलिंग अच्छे से ठंडी हो चुकी है इसमें वन टीस्पून के करीब हमने कॉर्न स्टार्च या फिर आर रोट जो भी ऐड करना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं और जो भी हल्का फुल्का जो इसमें पानी होता है ना वो अच्छे से सोख हो जाएगा बिल्कुल भी सॉगी फिलिंग नहीं होती ये भी एक ट्रिक है जिसकी वजह से आपके जो स्प्रिंग रोल है बहुत ही परफेक्ट बनेंगे ऐसा लगे कि आप कई बार स्प्रिंग रोल बना चुके हैं इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अब चलिए फटाफट से फिलिंग कर लेते हैं रैप्स की और उन्हें फ्राई कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा मैदा लगा हुआ है वही हमने पहले भी आपको कहा है कि फाइनली इनको डीप फ्राई करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मैदा लगा है नहीं लगा है देखने में कैसे लग रहे हैं रैप्स बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे जिस साइड में ज़्यादा मैदा लगा है उस साइड को अंदर हम रखेंगे और एक्सेस जो मैदा है ना उसको थोड़ा सा ऐसे झाड़ देंगे हाथों की मदद से बहुत हल्के हाथों से अब चलिए इनको फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर एक रैप लेंगे इस तरीके से कुछ टू टेबल स्पून के करीब हमने इसके फिलिंग डाल दिए हल्का सा टाइट हाथों से इनको फोल्ड करेंगे और जो हमने बैटर बना के रखा है इस तरीके से कुछ लगा देंगे अच्छी तरीके से ताकि कहीं से भी सीलिंग इनकी ओपन ना हो और कहीं पे आपको क्रैक दिखे ना वहाँ पे एंड में आप थोड़ा सा बैटर लगा दीजिए तो कहीं से भी कुछ भी नहीं ओपन होगा इस तरीके से बना के रेडी कर लेंगे इसी तरीके के बाकी के भी हम रैप्स बना लेंगे और एक फाइनल ट्रिक ये भी है कि आपको फिर भी डाउट है कि रैप कहीं खुल ना जाए उसके लिए आपको क्या करना है इस तरीके से ये रैप ने ले लिया है स्प्रिंग रोल ले लिया इसके ऊपर जो हमने बैटर बना के रेडी किया है ऐसे आप हल्का हल्का सा बहुत ही पतला एक लेयर लगा दीजिए बस कहीं से भी कुछ भी नहीं ओपन होगा बहुत ही बढ़िया से स्प्रिंग रोल बन के रेडी होंगे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ हमने शेयर कर लिए हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद फटा में फटाफट से किचन में जाइए स्प्रिंग रोल बनाइए और इन्जॉय कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ में और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी अब चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं डीप फ्राई डीप फ्राई करते टाइम पे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है सबसे पहले तो हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है ऑयल जब अच्छा खासा गर्म हो जाए बस इतना गर्म नहीं कि इसमें से धुआं निकल रहा है इससे थोड़ा सा कम अच्छा खासा गर्म हो जाना चाहिए लो फ्लेम पर हमें बिल्कुल फ्राई नहीं करना है लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमेशा जो आपके रोल्स हैं बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे और क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होंगे इसलिए हाई और मीडियम फ्लेम के बीच में इनको फ्राई करेंगे और जितने एक बार में आसानी से आ जाएं जाए उतने हमें डालने हैं, जैसे कि हमारी कढ़ाई में दो आसानी से आ रहे हैं तो हम दो फ्राई कर लेंगे पहले रोल्स को तो फ्लेम आपकी हाई और मीडियम के बीच में रहेगी तब बहुत ही क्रिस्पी से कलर भी बहुत अच्छा आएगा क्रिस्पी बहुत होते हैं और ऑयल भी नहीं एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा एक साइड में रंग चेंज हो जाएगा बस इनको पलट देंगे और धीरे धीरे करके थोड़ा सा और इनका कलर जब चेंज हो जाएगा ना थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा तभी हम इनको निकाल लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितने पतले हमने रैप्स बनाए थे जिसकी वजह से अंदर से कैरेट और शिमला मिर्च सारी चीज़ें इसके अंदर दिख रही हैं पतले रैप्स बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी भी रहते हैं खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं तो इनको इसे पलट पलट के अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे उसके बाद सर्व करेंगे गर्मा गर्म तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रैप्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बस इसी तरीके के बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे और सर्व करेंगे मनपसंद सॉस के साथ में फ्रेंड्स so आप भी इस रेसिपी को जो ट्राई कीजिएगा जो भी हमने टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं सेम उन्हीं को ही फॉलो कीजिए आपके बिल्कुल परफेक्ट रैप्स बनके रेडी होंगे और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा हमारे साथ बने रही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए और आपको बाकी की भी स्नैक्स की रेसिपीज चाहिए तो प्ले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं या फिर ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग